नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार हेल्प यूट्यूब चैनल और मैं हूं जीत। अगर आप भी बिहार में सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं तो आपको बता दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों 10वीं 12वीं पास के लिए यहां पे सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी आ चुका है और इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुका है। आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, साथ में दोस्तों कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या आवेदन का प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तमाम जानकारी बताने वाले हैं। और आप बिहार से हैं तो स्पेशली जरूर अप्लाई कीजिए, मिनिमम 10th पास भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी सुरक्षा कर्मी के लिए आवेदन कर सके। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने। तो इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल के साथ समझने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आना, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे रखा है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे www.biharhelp.in के वेबसाइट पर चलेंगे। यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेटेस्ट जॉब में देखेंगे तो 2 नंबर पे आपको दिखाई देगा बिहार सिक्योरिटी गार्ड वैकेंसी 2023। हो सकता है कि आर्टिकल नीचे की तरफ चला जाए, क्योंकि हर घंटे घंटे यहाँ पे आर्टिकल अपडेट होता रहता है, तो आपको इसी कॉलम में आपको देख लेना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि आपके सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है डायरेक्ट इसी वाले पोस्ट का दे रखे हैं, ताकि आपको जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। यहाँ पे आएंगे तो हर एक जानकारी इस वैकेंसी के बारे में बताया गया, समझाया गया। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें, इसको लेकर आवेदन जो प्रक्रिया है 14 दिसंबर 2023 से शुरू कर दिया गया और लास्ट डेट आवेदन करने का 17 जनवरी 2024 तक रखा गया, तो आप आवेदन कर सकते हैं, अच्छा खासा दिन रखा गया है। और बात कर लेते हैं इसको लेकर, यानी कि जो भी योग्यता रखा गया, कम से कम मैट्रिक पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे का स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड यानी CIT के 10th पास रखा गया और सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के लिए 12th पास रखा गया, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आप 12th पास है तो सुपरवाइजर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको लेकर देख सकते हैं, हाइट की बात करते हैं, मिनिमम आपको 168 सेंटीमीटर आना चाहिए, और वेट की बात की यानी वजन की, तो 55 से 90 किलो की बात की, अगर 55 से 90 के बीच में आपका वेट रहना चाहिए। और मैक्सिमम एज की बात किया गया 21 से लेकर 37 वर्ष के बीच में आपका एज रहना चाहिए। अब इसको लेकर जो भी यानी कि अपडेट आया, देख सकते पेपर कटिंग की जानकारी दिया था, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पोर्टल लिंक में आपको दिखाया जाएगा, देख सकते यहाँ पे पेपर कट नोटिफिकेशन, इस पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको एक पेपर कटिंग ओपन हो जाएगी, जहाँ पे हर एक जानकारी बताया गया है। यहाँ जैसे बताया गया पूर्णिया में सुरक्षा कर्मी की भर्ती 14 दिसंबर से लगेगा के। अब यह बात ना समझिएगा कि केवल पूर्णिया के लोग ही आवेदन करेंगे, बिहार के किसी भी जिले से आते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं, जो कि 14 दिसंबर 2023 से इसका कैंप लगेगा, जो कि अलग अलग डेट को अलग अलग जगह पे लगने वाला है। तो यहाँ से देख सकते बताया गया कहाँ किन थानों में भर्ती कैंप लगेगा, तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते, उसके बाद पूरी जानकारी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बताया गया जिले के सभी 28 थानों में सुरक्षा सैनिकों, सुरक्षा पर्यवेक्षकों और CIT की भारी संख्या में बहाल किए जाएंगे। भर्ती पदाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में लगभग 3 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं। अभी जो बात कह रहे हैं, जो भी सुरक्षा कर्मी जो कार्य है, लगभग 3 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी कार्य कर रहे हैं। कंपनी का जो सालाना यानी कारोबार को लगभग यानी 11,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है, जो की पूर्णिया जिले के प्रशासन के सहयोग से जिला के सभी थाने में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भर्ती कार्यक्रम चलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित आवश्यक जो दस्तावेज लगेगा, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र और एक पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड और छाये पत्र यानी सभी का जीरोक्स कॉपी लगेगा, और उम्मीदवार को कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मैट्रिक पास है कम से कम, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की बात करते हैं 21 से 37 वर्ष और ऊंचाई कम से कम आपका 168 सेंटीमीटर और वजन 55 से 90 किलोग्राम होना चाहिए। उम्मीदवार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप जो भी है यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र से मैं रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। यानी अगर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई करेंगे तो मुजफ्फरपुर में इसका जो भी प्रशिक्षण होगा यानी भर्ती शिविर में चयनित उम्मीदवारों को पंजीयन के बाद प्रशिक्षण के लिए सभी उम्मीदवारों भर्ती अधिकारी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार मुजफ्फरपुर प्रशिक्षण केंद्र में रिपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो मुजफ्फरपुर में यानी इसका जो भी है ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान ही जहाँ पे हर एक जानकारी बताया गया कैसे आपको कार्य करना है, क्या क्या करना है, जहाँ पे उन्हें सुरक्षा संबंधित विभिन्न प्रकार के विषयों के संबंध में 1 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण केंद्र में रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की जाएगा। यानी कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो मुजफ्फरपुर में इसका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के दौरान जहाँ पे खाना पाना रहना वहाँ हर एक चीज फ्री में आपको दिया जाएगा, जो कि बताया गया प्रशिक्षण केंद्र में रहना खाना पूरी तरीके से व्यवस्था प्रदान किया जाएगा। और इसके लिए अलावा प्रशिक्षण के दौरान एवं नौकरी के दौरान पहनने के लिए आवश्यक किट आइटम भी प्रदान किए जाएंगे, और 65 साल तक करेंगे नौकरी। दोस्तों ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद आपको कितने साल तक जॉब करना है, तो इसमें बताया गया 65 साल तक आपको जॉब करना है, और प्रशिक्षण के सभी दस्तावेज के अनुसार
विभिन्न स्थानों पर आपको पोस्टिंग की जाएगी और प्रशिक्षण और उपरांत पोस्टिंग के द्वारा सुरक्षा जवान और सीआईटी के उम्मीदवार को 15,500 से लेकर 20,000 और सुपरवाइजर को 18,500 से लेकर 25,000 तक वेतनमान दिया जाएगा। ठीक मानी कि इसमें सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करेंगे तो 18,500 से लेकर 25,000 तक आपका वेतन दिया जाएगा और 65 साल के आयु की सीमा तक आपका स्थायी नौकरी प्रदान की जाएगी। यानी अगर आप 65 साल तक नौकरी करते हैं 65 साल के बाद आपको अस्थायी जो भी है इसका नौकरी प्रदान आपको कर दी जाएगी और इस दौरान सारी सुविधा भी मिलेगी। अब कौन कौन से डेट को कहाँ पे लगेगा जॉब कैंप, इसमें बताया गया जैसे कहाँ किन स्थानों पर भर्ती कैंप लगेगा, तो 14 दिसंबर से इसको तो शुरू कर देगा। 14 दिसंबर तक रोहटा थाना परिसर में लगेगा, 16 दिसंबर को कृत्या नगर थाना परिसर में लगेगा। तो इसी तरह आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कौन से डेट को कहाँ पे लग रहा है, तो आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं जो भी आपका डॉक्यूमेंट इसमें मांगा गया है। इस भर्ती के रिगार्डिंग और भी जानकारी समझेंगे तो आप यहाँ से वेबसाइट पर आकर हर एक जानकारी इसमें बता देगा, आप समझ सकते हैं क्या क्या आपको ले जाना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। यहाँ पर भी डेट वगैरह दिया गया है कि कौन से डेट को कहाँ पे लगने वाला है, तो एक बार आपको देख लेना अच्छी तरह से। आप अपने जिले से हैं या अलग जिले से हैं तो आप एक बार जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई भी कर सकते हैं। और भी डिटेल समझना चाहते हैं तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी बता दिया जाएगा। फिलहाल जो पेपर कटिंग में बताया गया था जानकारी हम आपको वही बताएं।